हम भी खेल दे जब नेशनल के भी करते वहाँ तो इतना मारा मैच नहीं हार दिया, इतना देख लिया दे मान ले फिर मैच बोलते लंबी कबड्डी का सारी जनता उधर आ जाएगा भाई। पता कि दो रड़ाओ तीन रड़ा में टीम तो कौन रही बाजी जगह तीन रड़ा में हो जाए फिर मैच टीम तो रह जाए दो चार बस बिल्कुल। और पैसा लगा दे ज़्यादा ही हमारे गाँव में मैच थे लाख रुपया का नाम था बेस्ट रेडर को कैचर को बाइक थी लेकिन टीम तो मैन मैन चाहिए सारे पहलवानियों को हमारा मैच में 25-25-30-30 कैच मारी हुई का दिलाई में देखे ऐसा कुछ। देखो खेलना तो बड़का के मैं तो हौसला नू टूट गया भाई नौकरी नहीं मिलती थोड़ा बहुत कोटा हर एक गेम का देना चाहिए और जो टॉप हैं अपने टीम में सब टॉप हुए हैं ई भी टॉप बालक हैं काफ़ी हैं शिलू लाले विनय लाले रवि है रिंकू है और भी नए बालक काफ़ी हैं अगर ये लग दे रहेंगे तो पिछला हौसला बनता है। वीआईपी हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मधु जगलान की राम राम। रोहतक में फिलहाल मौजूद हूँ और बहुत सारे लोग का डिमांड थी भाई फोन भी आए आला मेड़ा पहलवान आज हमारे साथ है तो पूरी बातचीत करें। सबसे पहले राम राम। राम राम भाई राम राम। फिटो पहलवान चैनल देखने वाला ने सभी को राम राम। थैंक यू पहलवान जी। फिटो। हाँ फिटो भाई बिल्कुल। अच्छा पहलवान जी कबड्डी कब और किसने देख के शुरुआत करी थी? भाई साहब जगलान साहब कबड्डी तो मान लिया बचपन से शौक था। अच्छा। हाँ मान ले 2000 में लगे थे खेलने 2007 ही खेले थे। अच्छा। फिर ये सीनियर पहलवान थे काफ़ी टीम अच्छी थी बड़ेसरा थी जुगर टीनू पहलवान जी बढ़िया रेडर हुए हैं अपने आइडल रहे हैं शुरू से ही। अच्छा। तो इनको देख के भी मान ले काफ़ी मतलब आप तो पहला आपकी फैमिली में था कोई स्पोर्ट्स मैन जिस देख के अलग सी लग गई हो? ना ना फैमिली में कोई नहीं खेल रहा था पहले। अच्छा। हाँ मतलब कौन सी टूर्नामेंट तक अलग सी लगी थी को खेल हो रहे हो लोग अधोरा गाँव में या गुआंड में या कड़ियाँ हो रहे? ये तो भाई मारा गुआंडा में तो सारे हुआ करते गांव में भी हुआ करते लिजवाने भी थे नंदगढ़ थे और भी कई गाँव में बढ़िया शौक था हमारा का नहीं सर्कल कबड्डी का। अच्छा। फिर खरगजाटन की टीम बढ़िया टीम हुआ थी उन्हें भी देख के उन्होंने प्रैक्टिस करके फिर उनके साथ भी खेलने का मौका मिला। आपका गांव की टीम की बात करें किस के कुछ टीम थी पहलवान जी? भाई गाँव की टीम थी जब मैंने शुरुआत करी जब गाँव की भी टीम थी कई प्लेयर ठीक थे फिर वो अनफिट हो गए चोट पेट लागण थे और टीम तो फिर नहीं रही। अच्छा। तो फिर मैं खरगजाटन टीम में खेलने लग गया। बहुत सारे प्लेयर ने नेशनल कबड्डी से शुरुआत करी थी फिर बाद में सर्कल में आए क्या आपने भी नेशनल कबड्डी तक कर दिया सीधा सर्कल ते थे? ना ना बस वो स्कूल पढ़िया कर जब तो बेसिक नेशनल खेली ना तो फिर सीधा सर्कल में आया था। अच्छा। हाँ। मतलब वेट से शुरुआत करी दिया सीधे ओपन में आ गए ना सीधा ओपन में भी। कितना कौन से चेहरे हुए कर दिया अपना गला जो मतलब गाँव के चेहरे थे कौन से थे? भाई मेरे साथ थे कुलदीप था भाई अशोक था मन्नू था सतीश था एक दो और भाई थे विकासा था शीला था कई थे जो प्लेयर ठीक थे शुरुआत में बढ़िया टीम उठी थी फिर अनफिट होते रहे एक दो नौकरी मिल गई एक विजय था वो फौज में लग गया तो नू करके मान लिया टीम ही फिर खंड मंडी ही होगी थी। हाँ। अच्छा जब आपने खेलना शुरू कराया था कौन से गाँव में की टीम हुआ कर दी? भाई मन ने खेलना तो मारा वहाँ नज़दीक तो लिजवाना था नंदगढ़ थी बुराडेर थी खरगजाटाण बड़ेसरा बहू शीशर खड़बड़ा एक ये उधर है जुरासी की भी टीम थी कई टीम बढ़िया टीम थी डोला था। बिल्कुल। हाँ। पहलवान जी मतलब आपने कैच से शुरुआत करी थी या मतलब शुरू तो रेडर थे या कैच का मौका मिलेगा कदे? ना शुरू तो रेडर मारी गई। कितना के वजन होए करता जब मतलब आपकी तुत्ती बोले करते भाई काला मेढा का नाम चल रहा है? मैं भाई 85 किलो है यश्ट हुआ है। अच्छा। हाँ हाइट कितनी थी पहलवान जी उस टाइम? 5-8 थी। अच्छा पढ़ाई का मामला में बात करें के कुछ थे मतलब पढ़ाई में किस के था अपना? भाई पढ़ाई में तो भाई प्लस टू करी थी फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था तब फिर यार नौकरी लग गए। अच्छा। हाँ अच्छा नौकरी का कुकर के सिस्टम हुआ कि मतलब पहला ई सर्कल में फिलहाल जो बंद कर रहे हैं कबड्डी वाले ने भर्ती करना कुकर के लग गए थे? भाई हम तो जोकर फार्म भर के लागे थे वो तो फिर यार राजीव गांधी स्टेडियम की नींद रही थी। हाँ। जब सीएम हुड्डा साहब थे। हाँ। तो उन्होंने एक मैच कराया था हरियाणा पुलिस का हरियाणा का। अच्छा। उसमें हम हरियाणा की टीम जीत गई थी मैं बेस्ट रेडर था सीएम साहब ने घोषणा कर दी थी भाई जितने फार्म भरे ना इसमें। हाँ। सभी को लगा दूँ हम तीनों भरे तीनों लगा दिए थे। हाँ बोल और एक प्रवीण था गांगुली खरगजाटन थे एक मैं तीनों लगा दिए थे। अच्छा कबड्डी जगत में अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन सा था मतलब जो भाई स्पोर्ट भी करे करता जिसका घर लग करना जाना था अपना? तो भी मैं खरक में ज़्यादा खेला हूँ जैसे। अच्छा। हाँ प्रवीण पहलवान था गांगुली। अच्छा। उसके साथ अपना बढ़िया था बस्ता था राजा मोटा था पूरी टीम के साथ मेरा बढ़िया आना जाना था गर्दी का आना जाना मेरे पास भी आते तो मैं भी जाता था घर भर की बात थी। अच्छा जब खेलना शुरुआत करा था कबड्डी और आज का टाइम में कबड्डी में कितना बदलाव आ गया पहलवान जी? भाई
लेटेस्ट का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उस टाइम मैच भी बढ़िया आ करते, 20-5-20 के मैच हुआ करते, 15-5-15 के। इब तो मैच शुरू हुआ है, ख़त्म होता है दिखा है, बिल्कुल। तो उसमें तो जनता बता, हम तो देखा अभी कब हाँ जुकर मैच ने ड्यूटी में भी जीरो वहाँ, बिल्कुल। उस टाइम पब्लिक भी ज़्यादा होकर दी, पब्लिक भी नहीं आते, पहला दिन में मैच हो करते, दो दो तीन तीन दिन के हो करते, रात ना लग गई, एक दिन मैंने बैठ दे यार, हाँ एक दिन में फिर लेट भी हो भी मैच हुआ रही थी, इतने पब्लिक जो है वह भी चली जा है, बिल्कुल। तो इसमें जनता की तो हम सुना है, तो नुए कहें भाई मैच दिन के होने चाहिए, बिल्कुल। पहली बार बेस्ट कड़ाए थे पहलवान जी कबड्डी में भाई, बेस्ट तो 5-7 जगह मौका मिला का, गंगोली थे, नंदगढ़ थे, यहाँ राजीव गांधी स्टेडियम में था, तो कई जगह मौका है मिला, बिल्कुल। अच्छा बेस्ट का सब तक बड़ा के जीते है कैश प्राइज या मतलब गाड़ी घोड़े तो शायद उस टाइम नहीं होए करते भाई, उड़त उस टाइम तो क्यों था, एक शील्ड हुआ करती अपनी छोटी, शील्ड दे दें कितने 1000 रुपये दे दें कितने 500 रुपये, यो था बेस्ट। अच्छा टॉप जितना ही नाम हो जो कल 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 टेकन लगे, पहला टॉप इनाम कितना लग खेले भाई, मतलब इस इनाम लग में खेले मैंने जीते हुआ भाई, टीम ने जीता है नाम जुकर, अपने तो किया था जब 11,000, 21,000 कितने कितने 31,000 भी हो जा रहे, लेकिन फरीदाबाद में मैच हुआ कर दे, 2 अगस्त से शुरू हो जाए वहाँ, 15 अगस्त है पाली तो शुरू हो जाए, फिर 3-4 महीने मैच चलो, वहाँ 51,000 भी थे, बिल्कुल। 71,000 भी फतेहपुर डेरे थे, 71,000 का नाम था, कई जगह वहाँ अच्छे नाम थे, बिल्कुल। अच्छा एक मैच में पहलवान जी लगातार कितनी कैच लगी हुई है याद हो तो भाई, कैच तो लाग भी जा रही, नॉन स्टॉप भी रहा कर दे, 2 भी लग जाती भाई, 3 भी लाग जाती, बस जब मैच की बात हो 4 भी लाग जा, ये तो कैच तो लग दी रहा कर दी, मान लिया कितने नॉन स्टॉप भी आया कर दे भाई, कैच भी लाग गया दी, सामने वाले भी खेल रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा ये कतलब मतलब आज कल में कर दिया मैच देखो, जो गरीब सीजन समाप्त होया है, देख के अलग सी लग गया भाई मैं भी खेलूँ, जोश आवा एक बार मैच देखा बच्चे इस टी मतलब सुलपा भांग इस टाइम बड़ा नशा बताया कबड्डी का, ललक लग गया देख दे भाई, ललक तो रहा कर जुगर खेलनी है के, लेकिन थोड़ा एक ही सिस्टम दूसरा हो गया जुगर, जो नशा पता हार जो मेडिसिन बढ़ गया ना इसमें, इसमें थोड़ा हा जो नया हमने भी सोचा नए बाढ़ की भी आते हैं, तो नशा अगर दूर हट जाए तो फिर सबका जिक्र है, बिल्कुल। अच्छा डिसिप्लिन की बात करें, सर्कल कबड्डी में बहुत सारे सीनियर प्लेयर का मैंने इंटरव्यू कराया भाई, डिसिप्लिन की कमी है सर्कल कबड्डी में, जो 1 करोड़ की टूर्नामेंट नेशनल कबड्डी की हुई वह सर्कल कबड्डी की होनी थी, इसका बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? देखो भाई सर्कल कबड्डी हमारा यो जो लोकल गेम नहीं कह सकते, तो वर्ल्ड तक जा लिया यो, बिल्कुल, बिल्कुल। इस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए, और सबसे ज़्यादा मान ले फॉलोअर भी इन्हें के हैं, बिल्कुल। तो इस ले जाना चाहिए सरकार ने, ऊपर तो उठाना चाहिए इसको, दर्शक भी बहुत देखना जाए इसको, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जो सर्कल कबड्डी की फैन फॉलोइंग शायद किसी की है को नहीं, कौन से गेम के जुगर प्रो कबड्डी चल रही है, करोड़ों बोली लगन लग रही, लेकिन एक सर्कल वाला ने एक प्रो कबड्डी प्लेयर ने खड़ा कर लिया, उसकी ज्यादा जाना है सर्कल वाला ने, बिल्कुल बिल्कुल। हम भी खेल यारे जब नेशनल गेम हुआ करते वहाँ, तो इतना मारा मैच नहीं हारदा, इतना देख लिया अरे मान ले, फिर मैच बोलते लंबी कबड्डी का सारी जनता उधर आ जाया करती, बिल्कुल। अच्छा पहलवान जी सबसे ज़्यादा पब्लिक कड़ा देखने मिली है अपना ये आपका यह दो जो टूर्नामेंट में भाई, काफ़ी जगह मिली मारो वहाँ गुआंड में नंदगढ़ मैच हुआ करते वहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक आया करती, अच्छा हाँ कई गंगोली थी वहाँ भी बहुत ज़्यादा थी, कड़ु आया करते वहाँ भी काफ़ी जगह मान ले अच्छी पब्लिक आ रही। अच्छा गाँव का के कुछ शो कर पहलवान जी मान सम्मान कर है या नहीं भाई? गांव का तो पूरा सहयोग था अपने साथ, मैं बताऊं पूरे जहाँ मान ले मैच देखने जाते गांव खेलने जाते तो पूरा गांव जा करता, पूरा सहयोग था, पूरा मान सम्मान था, गांव की तरफ कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल। सर्कल कबड्डी धीरे धीरे खत्म होने लग रही, पहला एक पंचायत के मैच हुए करते, 2-3 लड़ाव ने सब कुछ खत्म कर दिया, इसका बारे में क्या विचार अपन भाई? पता कि 2-3 लड़ाव में टीम तो कौन रही, बस इस जगह 3 लड़ाव में हो जाए फिर मैच टीम तो रह जाए 2-4 बस, बिल्कुल। और पैसा लगा दे हैं ज़्यादा ही, हमारे गांव में मैच थे 1,00,000 रुपया का नाम था, बेस्ट रेडर को कैचर को बाइक थी, लेकिन टीम तो मैन चेहरी बनी, बिल्कुल छोटे बच्चे रह जाए फिर, तो 1 लड़ाव में कर ले 2 लड़ाव कर ले 3 का तो ठीक हो ना मैच, बिल्कुल। बहुत सारे प्लेयर भी देश में जा रहे थे खेलन, वो इतना वो नहीं है इतने टूर्नामेंट को अंदर नए चेहरे था मौका को अंदर ना मिनी ओपन ही बंद कर दिए और वेट भी बंद कर दिए, इसका बारे में क्या विचार है भाई? मिनी ओपन भी होना चाहिए, वेट भी होना चाहिए, बिल्कुल। और जो मान ले 2-4 टीम है वो प्लेयर बाहर जा रहे हैं तो टूर्नामेंट रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, टूर्नामेंट तो चलनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब नए चेहरे हैं ज्यादा मौका मिलेगा उन्हें, मैं तो कोई सिल्लू उन्हें मैं तो कोई काला मेड़ा पहलवान लिगड़ गया होगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल क्यों नहीं, ये जो सीनियर खेल रहे थे उन्हें देख कर हम आए मार बाद कितने आ लिए, मान ले छोटे बच्चों को ना मौका देना चाहिए, बिल्कुल चाहे नाम छोटी रख दो मैच करवाने चाहिए, बिल्कुल। अच्छा पहलवान जी लाइफ में कभी डीमोटिवेट भी हो जाए मतलब इंजरी का कारण अगर कई मना करके भाई कबड्डी क्यों हट तड़वाने लग रहा है, इसमें
करियर को नहीं? ना ना भाई, घर क्या तो पूरा सहयोग था और ना इतने खेले माले की दाद कोई चोट फेट नहीं लगी, छोटी मोटी तो ये चलती रहे हैं और पूरा परिवार का सहयोग था, बस फिर नौकरी लग गए थे फिर छोड़ दिया। अच्छा पहलवान जी अपना गुरु कौन है? भाई मेरा गुरु हम अपने यहाँ खेला करता, मैं सरग जाटन में सिंधा पहलवान के पास प्रैक्टिस करी है। अच्छा हाँ, तो भाई अच्छा अपना फैमिली में कौन कौन है पहलवान जी? फैमिली में भाई चार भाई हैं हम और माता पिता जीवा हैं, तो बहुत बढ़िया पूरा परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप जो आपके बच्चे हैं उनकी भी कोशिश करी कबड्डी मान की, भाई माँ भी मेरे पापा की डैड नाम रोशन करांगे गांव का? भाई तो बच्चा हो मान ले 13 साल का है। अच्छा अच्छा, तो कोशिश है उसकी मान ले गेम तो कबड्डी चुन रहा हो, वो देखो नेशनल चुना है कि लंबी चुना है, वो तो उस पर है। अच्छा, उसका रुझान जैसे होगा वैसे हो जाएगा। अच्छा पहलवान जी अपना डाइट प्लान क्यों कर जो कर आजकल सप्लीमेंट प्रोटीन वगैरह यूज करने लगे, उस टाइम प्रोटीन किस चीज़ तय कर दे? भाई प्रोटीन तो दूध था, घी था, दूध था, भाई फल फ्रूट थे, ये प्रोटीन ये जो ये बांध लागे डब्बे वाले ये तो थे नहीं, जब ना हमने ज्ञान था इन चीज़ों का। अच्छा, बस घी दूध का खाना जो परिवार में बना हुआ खाना था, मेहनत करनी थी इतना। अच्छा अपने बेस्ट प्लेयर कौन से थे, रेडर कैचर की बात करा? भाई रेडर तो मैं उस टाइम लेटिनो पहलवान को मानता हूँ बेस्ट रेडर वार था, कैचर कई थे जो हमारे साथ खेल रहा था, बॉलर था प्रवीण पहलवान था गांगोली, भाई बजेंद्र भी उस टाइम डलती उम्र में था बड़े सरिया, लेकिन टॉप के कैचर हुआ अग्रदेव विक्रम था, बिल्कुल काफ़ी कैचर बढ़िया है। बहुत सारे पहलवानियों को हमारा मैच में 25-25, 30-30 कैच मारी हुई का दिलाई में देखे ऐसा कुछ? भाई हम तो खेले जब भी 25 कैच किसी ने मारी होगी, वो या 2-4 जब भी ये लागे आ रही है, अभी भी ये लागे हैं। बिल्कुल। अच्छा जो अपना वर्कआउट का शेड्यूल था कि कुछ था कितने टाइम मेहनत करे करते, जिम जाम वगैरह थी या उस टाइम नहीं था? भाई जिम होया तो कर दी फिर शहर आम थी, अपना तो गाँव आम के था, वेट लिया दे वेट मार लेंदे, डम्बल मार लेंदे, खाड़ा खोल लेंदे, ग्राउंड प्रैक्टिस कर लेंदे, सुबह रेस सूट शर्ट पैडा पूडा ये मार लिया। बिल्कुल। अच्छा अपने पहलवान जी प्रॉपर स्किल है जो सी वो कौन सी थी भाई? या तो मैं करूँ मैं करूँगा, अगर आँख मीच के भी करूँगा तो मेरा 100% मिलेगा? मतलब जो अपनी प्रॉपर स्किल हो हैंड टच रनिंग, मतलब जो भी जंप वगैरह की, मतलब या पावर का हिसाब लिया कर दे भाई? ये तो देखो मैच खेल रहे मैच के हिसाब से वो अगर मान लेनू कौन था भाई इस यह चीज फोकस है। बिल्कुल, जैसा मैच होता है ऐसा खेल लेते नहीं। जुकर आप नेशनल कबड्डी में प्रदीप नरवाल की बात कर रहा हूँ, उसकी दुबकी फेवरेट है वह स्किल, उसकी प्रॉपर उसी कुछ स्किल हो अपनी भाई? स्किल कुछ नहीं थी, जैसी टीम खड़ी होगी जैसे प्लेयर हो उस हिसाब से हो जाता मान ली। हाँ बिल्कुल। अच्छा कौन सी टीम का मैच फंस के लग गया है, मतलब ज़्यादा जो को 5-5 रेडा पे मैच आया हो? कई टीम आगे ला जा रहे थे भाई, शिशिर खड़बला थी भाई, बहू थी, डोला थी, कई टीम ऐसी थी जो फंस जा रहे थे, दोबारा टीम हो जाता। बिल्कुल। आज का टाइम में सर्कल कबड्डी में जो खत्म होगी इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत खेलन भी कम लगे बालक? देखो खेलना तो बड़का के मैं तो सलाह नू टूट गया, नौकरी नहीं मिलती, थोड़ा बहुत कोटा हर एक गेम का देना चाहिए। बिल्कुल। और जो टॉप हैं अपने टीम में सब टॉप हुए हैं, ये भी टॉप बालक हैं काफ़ी हैं, शिलू लाले, विनय लाले, रवि है, रिंकू है, और भी नए बालक काफ़ी हैं, अगर ये लग दे रहेंगे तो पिछला हौसला बनता रहेगा। सरकार ने ध्यान देना चाहिए। अच्छा पहलवान जी का दे नेशनल या इंटरनेशनल का मौका मिला खेलने का? ना भाई इंटरनेशनल नहीं, बाहर नहीं मौका मिला, बस अपना हरियाणा पंजाब से। मतलब सीनियर नेशनल की बात करा खेले हुए नहीं? ना भाई को नेशनल का कोई मौका नहीं था। हरियाणा और पंजाब की बात करा, ईब शिल्लू आने के बाद पंजाब वाले चाण लग गए हरियाणा ने, मौका भी देने लगे विदेशों में, पहला के कुछ था भाई? पहला तो कि था दो ही टीम ही जा रही थी महाराज, ज़्यादा तो खर मोटे पहलवान थे अपना अनिल मोटा, वो जा करते पहले, फिर हम दूसरा सेट तैयार कराया तो फिर हम भी जा करते, जब सैया पर जा करते भाई मैच जीत गए तो इनाम बद गया, हार गए तो वो तो था जो 20 था 30 था जो इस तरीके से जा करते। अच्छा कबड्डी तो दूर कद से हो गए थे पहलवान जी, मगर याद हो तो कौन सी टूर्नामेंट के बाद नहीं खेले? मैं 2007 में छोड़ गया था भाई। अच्छा हाँ, लास्ट मैच में गांगुली खेला था। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर ऑफ सीजन आ गया था, फिर मैं उसके बाद नौकरी लग गया, फिर नहीं खेला। मतलब ड्यूटी का कारण बोल सका, बस टीम में तो खेल नहीं पाए? हाँ बस कि मैं ट्रेनिंग थी वहाँ, जैसे मारी वहाँ बोंडसी होगी अगर मधुबन हो जाती तो वहाँ टीम थी, फिर एक साल तो दूरी हो पास से फिर नहीं खेले। बिल्कुल। अच्छा जो आप पुलिस में भर्ती हो गए थे किस नाम से पहचाना, मतलब कबड्डी का नाम तावा है या तो जो अपने चाण वाले मिले हाजवी को मिला है या नहीं मिला है? भाई चाण वाले तो सारे मिले हैं जुगर, इबू तो देवंदर नाम है मेरा, तो यहाँ तकरीबन जो 7 लाख गए थे जो देखा करते वो तो आज भी काला के हैं।
मतलब खुशी मिले है भाई आज भी, मतलब गेम के पहले मतलब पहले पुराने पहलवान हैं देखो भी, मतलब यह दा हो पुराने दिन बात तो चल देखो भाई पहला की होए करते रहे भाई। फर्क तो सही देखो, देखो आप अपने टाइम में सब हुए हैं और होने भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पुराने मिले हैं उनते खुशी तो मिले है, जो साथ के खेलनी है जो साथ खेल रहे हैं पहले खेल रहे थोड़े बहुत जो ही खेल रहे हैं प्लेयर मिला है तो थोड़ा खुशी मिला आपस में। अच्छा पहला बढ़िया मैच लगे कर दे यही आज का टाइम में बढ़िया लगा पहलवान जी आपकी उससे पूछूँ मैं भाई मेरी उससे तो मैं बताऊँ आपने जो पहले मैच हार दे वो बढ़िया मैच हार दे बिल्कुल क्यों 15-5 मैच होता फाइनल होंगे वो 20-5 के होंगे जनता ने मजा आ करता मैच देख दिया जनता खुश हो एक रात का मैच नहीं हार दा दिन के मैच हार दे एक दिन की बजाय 2 में फाइनल हो जा रहा प्लेयर भी खुश थे उसमें रेस्ट भी मिला करता ये बाज रात ने 12 यहाँ खत्म हो अगले दिन फिर दूसरी जगह तीन ना तो रेस्ट मिलता प्लेयर को बिल्कुल रेस्ट भी तो जरूरी है। मतलब आज का टाइम वो भी प्रोफेशनल गया पहला बस हम धक्के खाए कर दे गाड़ी लेके जाओ और अकेला अकेला गाड़ी लेके जाओ खुद की पहले अकड़े गाड़ी इना में ना वर्द भाई गाड़ी कहाँ से आओगे बिल्कुल करते खा के पहलवान बनिया करते बिल्कुल। अच्छा लास्ट में दर्शकों के संदेश देना चाहोगे जो कबड्डी माना चाहो भाई मेरा तो कहना है भाई साहब एक जो भी प्लेयर आओ है ना एक तो ये सोच का आओ कि भाई हमने नशा नहीं करना बिल्कुल। अगर आज एक आदमी ठाणा कल दूसरा तीसरा यो नशा खत्म हो जाएगा इससे अगर नू सोच का है भाई मन तो कि मैं वो प्लेयर बनना चाहे नशा करूँ उसमें फिर बेशक ना हो उस कबड्डी फिर तो अपने और को दूसरा गेम चूज कर ले ना अपनी पढ़ाई कर ले तो यो है नशा पता करने खातर आओ तो बेशक मत आओ। जो हरियाणा में टूर्नामेंट कराओ कमेटी उनका बारे में किए वह भी मतलब वो कर रहे हैं बड़ा कर मतलब पैर हेदा बन लगे पंजाब आप आज भी इस टाइम मतलब इस काम में अपना धागे है भाई कमेटी को हमारा लिया तो हम यही बात कहा हाँ। देखो एक तो किराया सबको दो पहले तो आप टीम बुला लो हो बिल्कुल भाई या दोनों के दो 18 टीम आनी है हाँ। या 20 आनी है जो लेकिन जो आ गया से वो पहले राउंड मारो चाहे वो लास्ट मारो किराया सबको दो उसमें मनोबल बनाया कोशिश करो थोड़ा थोड़ा नाम सबका टेक दे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो काला पहलवान के अपना विचार जाने जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं वीडियो ने शेयर कर दी भाई मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएगी।